नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सर्प मित्र शरद आबड़े और आप देख रहे हैं NJ एनिमल रेस्क्यू टीम YouTube चैनल। तो दोस्तों, भागा जी नाना, भागा जी जगन्नाथ तोबरे। भागा जी जगन्नाथ तोबरे, इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें कॉल किया था। इनके बावड़ी में एक स्नेक गिरा हुआ है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो के साथ में बने रहे दोस्तों। चलिए, हेलो। त्यांना लवी घ्यायचं होतं, त्याला बी पाहिलं असतं लाई यू नेणार तर नाही ना गाडीतून चोरून? नाही नाही नाही, तिथं कोण नाही। कोण आहे? कोण चापमध्ये आहे तो खाली एकूण एकूण या। हा ना दिसला ना, दिसला। हा आता खाली कसं उतरायचं? मशीन 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 मध्ये जा ना। ते मशीनचा शप्पा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बावड़ी में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, नहीं गया ना तरी भी। बस 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 बस। तो देखिए दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफी बिग साइज में ये बावड़ी का काम चल रहा है। शायद ऊपर से गिरा होगा, आप देख सकते हैं, और काफ़ी गुस्सेल, काफ़ी फुंकार रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ओ माय गॉड, आओ। तो देखिए दोस्तों, काफी बिग साइज में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, और अपने महाराष्ट्र में नाग इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब बाकी की जानकारी हमारे बड़े भाई सर्प मित्र नितेश जाधव देंगे। काफ़ी बिग साइज़ का कोबरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, इसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये अगर इंसान को काट ले तो एक घंटे के अंदर अंदर मौत हो सकती है। उससे पहले अपने को हॉस्पिटल जाना है, ना कि कोई घास फूस के चक्कर में पड़ना है, ठीक है? तो इसलिए मैं सही जानकारी दूंगा। आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी बड़ा बिग साइज़ का कोबरा है। एक यहाँ पे कुएं का काम चालू था, आपको पता ही है। हम लोगों ने इस मशीन का सहारा लेके हम लोगों ने इसको बाहर निकाला है, और काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, काफ़ी लोग डरे हुए तो यहाँ पर कभी भी कुछ निकलता है तो हमारे जो दोस्त है वो हमें कॉल करके बुला लेते हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं हमारी। तो ये बहुत एग्रेसिव है दोस्तों, और काफ़ी बिग साइज है, बड़ा है, गुस्सेल है, आप देख सकते हो उसका मुंह।
थोड़ा सा जूम कर, थम थम थम, नोको नोको रहो दे। उसका फुमकार देख सकते हैं आप, काफी फुमकारता है, है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोगों का रेस्क्यू होता है, बहुत रिस्की काम करते हैं हम लोग। और कभी भी है तो हम लोग टोंग का इस्तेमाल करते हैं, कभी फ्री हैंडलिंग ना करें। जो भी युवा पीढ़ी है मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी टोंग का इस्तेमाल करें, फ्री हैंडलिंग ना करें, क्योंकि आपकी जान यही सबसे बड़ी कमाई है दोस्तों। तो आपकी जान अगर बची रहेगी तो आप काफ़ी सारे स्नेक, काफ़ी सारे एनिमल रेस्क्यू कर पाएंगे, इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम जो रेस्क्यू का काम करते हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें दोस्तों। चलिए सगळ्यांचे यूट्यूब चालू करा, मी तुम्हाला आमचं हे सांगतो चॅनलचं नाव, ते आलं ना आता सबस्क्राइबर करून घ्या आणि जास्तीत जास्त हे करा हे का या शिरळामध्ये तुम्हाला किती का सापं भेटतील याच्यामध्ये, हे जे आत्ता जनावर चाललेलं का आम्ही याच्यासारखी तर काही भेटते। आणि कधी बी चारा घ्यायच्या वेळेस तर दाताळ्याने वाढायचं बरं का, हा हे असं जर रचून ठेवलं।